Dear students, so today we'll study about BJT. आज हम लोग bipolar junction transistor BJT का पूरा मतलब हो गया bipolar junction transistor के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं कि पहले BJT होता क्या है और तैयार ट्रांजिस्टर होता क्या है. लेट अस स्टार्ट विद, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज BJT या व्हाट इज ट्रांजिस्टर. सो इंट्रोडक्शन पार्ट, ट्रांजिस्टर बीजेटी एक ट्रांजिस्टर है जो कि बाईपोलर है, दैट मींस दो पोलैरिटी कर सकते हैं. तो ट्रांजिस्टर को डिफाइन कर ले सबसे पहले कि ट्रांजिस्टर एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है. थ्री टर्मिनल मेनली अगर हम बीजेटी के टर्म्स में बात करें तो, एंड इट हैज़ थ्री टर्मिनल डिवाइस, इट हैज़ थ्री टर्मिनल्स लाइक इमीटर, बेस एंड कलेक्टर. ओके, व्हेन वी विल टॉक अबाउट बीजेटी in terms of transistor, transistor is a three terminal device and it can be operated in the three configuration, any of three configuration like common base, or it can be common emitter or common collector. Okay, so that means isko short mein hum CB, CE or CCB bolte hain. Depending upon the configuration it can be used फॉर ए वोल्टेज एज वेल एज करेंट एम्प्लीफिकेशन. मतलब इसमें वोल्टेज और करेंट इन दोनों में से किसी को भी हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, जबकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशन एम्पलीफायर में, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, वोल्टेज को एम्प्लीफाई कर रहे थे. द एम्प्लीफिकेशन इन द ट्रांजिस्टर इज अचीव्ड बाई पासिंग द इनपुट सिग्नल फ्रॉम द लो रेजिस्टेंस रीजन टू द रीजन ऑफ हाई रेजिस्टेंस. आपको याद होगा जब हम ऑप एम्प पढ़ रहे थे, हमने बोला था कि इनपुट इम्पिटेंस जो होता है वो वेरी हाई होता है और आउटपुट इम्पिटेंस लो होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट सिग्नल यानी कि जो इनपुट इम्पिटेंस होगा वो लो होता है, लो रेजिस्टेंस रीजन. मतलब इनपुट इम्पिटेंस इज लो एंड आउटपुट इम्पिटेंस इज हाई. ओके, इसलिए आउटपुट साइड में इम्पिटेंस हाई होता है. इट मीन्स दैट अब हम ट्रांजिस्टर को एक लाइन में यहाँ पे समराइज करेंगे. द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम लो रेजिस्टेंस रीजन्स टू हाई रेजिस्टेंस रीजन इज नोन एज ट्रांजिस्टर. और ये ट्रांजिस्टर कैसे बना है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस का ट्रांस और रेजिस्टेंस का ISTOR, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर. फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रांजिस्टर एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है, बेसिक मेनली इमीटर, बेस एंड कलेक्टर. और ये एट ए टाइम तीनों में से किसी एक रीजन में कन्फिग्रेशन में काम करता है, कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर या कॉमन इमीटर. ठीक है, इसको सीसीबी, सीई या सीसी बोलते हैं शॉर्ट में. ठीक है, इसमें वोल्टेज एंड करंट दोनों का एम्प्लीफिकेशन होता है और इसमें इनपुट इम्पिडेंस लो एंड आउटपुट इम्पिडेंस हाई, जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर. अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बारे में. मेनली ट्रांजिस्टर ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर्स को हम बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो टर्म्स में पढ़ेंगे. एक को हम बोलेंगे यूनी जंक्शन, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें सिर्फ पोलरिटी एक हो. ठीक है, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं UJT. और दूसरे में बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मतलब हो गया BJT. ओके, अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है. अगर करंट का कंडक्शन यानी कि किसी भी एम्पलीफायर में और करंट का कंडक्शन सिर्फ एक टाइप के यानी कि प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज करिए, मतलब सिर्फ एक पोलरिटी चार्ज की वजह से होता है. हमें पता है कि डिवाइस में या सेमीकंडक्टर में दो टाइप के पोलरिटी चार्ज होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. तो अगर करंट का फ्लो सिर्फ एक चार्ज कैरियर की वजह से होता है और वन एक डायरेक्शन में सिर्फ होता है, सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, तो कहलाएगा यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात ये नहीं है कि बच्चे इस बात को लेकर कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पे यूनिपोलर जंक्शन है इसका मतलब सिर्फ एक जंक्शन होगा. नो, इसका मतलब ये होगा कि एक चार्ज की वजह से करंट का फ्लो होगा, मेजोरिटी चार्ज की वजह से. सिमिलरली अगर करंट का कंडक्शन या करंट फ्लो होता है बोथ टाइप्स ऑफ कैरियर, बोथ टाइप्स ऑफ कैरियर का मतलब मेजोरिटी एज वेल एज
माइनॉरिटी कैरियर, ओके, मेजोरिटी चार्ज कैरियर एज वेल एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, देन इट इज़ नोन एज बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यहाँ पे कोई भी इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि बाईपोलर जंक्शन का मतलब ये हो गया कि दो जंक्शन होते हैं, नहीं, दो जंक्शन तो होता ही है लेकिन इसकी वजह से बाईपोलर नहीं कहलाता है। बाईपोलर का मतलब दो पोलरिटी, मतलब मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट का फ्लो होता है, इसलिए इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट, इन बीजेटी द आउटपुट करंट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट करंट, मतलब करंट का ही कंट्रोल हो रहा है, आउटपुट करंट को, यानी कि जो हम आउटपुट में करंट लेंगे वो इनपुट करंट के थ्रू कंट्रोल्ड होगा, कंट्रोल्ड बाय, इसलिए इसको करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। ध्यान रहेगा, इट इज़ ए करंट कंट्रोल डिवाइस, मतलब आउटपुट करंट को हम इनपुट करंट में कंट्रोल करते हैं, इसीलिए ये कहलाया करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, तो बीजेटी जनरली दो टाइप के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, यूजेटी एंड बीजेटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और फिर हम लोग जाएंगे यूजेटी की तरफ जहाँ पे यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। अब थोड़ा सा बीजेटी के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ लें कि बीजेटी के कितने टाइप्स होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीजेटी के दो टाइप्स होते हैं मेनली, एनपीएन एंड पीएनपी, है ना। तो एनपीएन एंड पीएनपी में डिफरेंसेस दे सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हम लगाएंगे वो पहला एन टाइप का होगा, इसके बीच में सैंडविच करेंगे पी टाइप को, एंड देन जो थर्ड होगा वो होगा अगेन एन टाइप, यानी कि एन और दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर हम सैंडविच करते हैं तो वो कहलाएगा एनपीएन टाइप। पीएन, इसके बारे में थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन पार्ट को देखेंगे डिटेल में, अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। और पीएनपी में क्या हुआ, पीएनपी जो होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और फिर यानी कि दो पी के बीच में अगर हम एक एन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो पीएनपी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो इसमें करंट का फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है बिकॉज एनपीएन है, और इसमें करंट का फ्लो ड्यू टू होल्स होता है, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स इसमें होल्स होते हैं और इसमें मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एडवांटेज, बीजेटी का एडवांटेज क्या है, ये लो ऑपरेटिंग पॉइंट पे काम करता है, हाई इफिशेंसी होती है और स्मॉल साइज एंड डफनेस होता है। तो आज इंट्रोडक्शन ऑफ बीजेटी में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी बायसिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग आज का लेक्चर होगा बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि बेसिकली ट्रांजिस्टर का मतलब यहाँ पे बीजेटी से है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि ट्रांजिस्टर दो टाइप्स के होते हैं, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर का मतलब बोल रहे हैं बीजेटी की बायसिंग हम कैसे करते हैं या कितने टाइप से होती है। तो जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि बायसिंग का मतलब होता है कि एक्सटर्नल डीसी सप्लाई को अप्लाई करना, यानी कि व्हेन एन एक्सटर्नल डीसी डीसी वोल्टेज आर अप्लाइड अक्रॉस द डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ ट्रांजिस्टर देन इट इज़ कॉल्ड बायसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ ट्रांजिस्टर का मतलब क्या हो गया, जैसा हम लोगों ने NPN पढ़ा और PNP पढ़ा, तो जब हम NPN और PNP पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, एक बनेगा इमीटर बेस्ड जंक्शन और दूसरा बनेगा कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, दो जंक्शन क्रिएट होंगे एंड उस जंक्शन के आधार पे हम लोग बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बायसिंग की बात की हमने, व्हेन एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज आर अप्लाइड अक्रॉस द डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ ट्रांजिस्टर देन इट इज़ कॉल्ड बायसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। क्लियर, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द डीसी बायस वोल्टेज पोलरिटी अक्रॉस द जंक्शन द ट्रांजिस्टर वर्क इन एनी ऑफ द थ्री रीजन्स। जैसे तो अब हमें देखना है कि ये रीजन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने बात की यहाँ पे थ्री रीजन्स, थ्री टाइप्स के, मेनली हम थ्री टाइप्स के पढ़ेंगे। और इसमें टू सेलेक्ट द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बायसिंग, यानी किसी मोड को सेलेक्ट करने को हम लोग, किस मोड में मुझे काम कराना है वो कहलाता है बायसिंग। और मेनली ये थ्री मोड में काम करता है, इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन, सेचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। अब हम डिफाइन कैसे करें, कैसे पता करेगा कि एक्टिव रीजन्स क्या है। तो अगर इमीटर बेस्ड जंक्शन EBJ शॉर्ट में बोलेंगे पावर्ड बायस में है एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस में है तो कहलाएगा कि एक्टिव रीजन्स में है।
अगर सेचुरेशन रीजन के मतलब दोनों फॉर्ड बायस में हो गया, यानी कि इमिटर बेस्ड जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, अगर दोनों फॉर्ड बायस में है तो कहलाएगा कि सेचुरेशन रीजन में काम कर रहा है, और अगर दोनों रिवर्स बायस में हो जाए तो ये कहलाएगा कि ये कट ऑफ रीजन्स में काम कर रहा है, यानी कट ऑफ मोड काम कर रहा है। इसमें तीन रीजन्स, एक्टिव, सेचुरेशन एंड कट ऑफ, वेरी सिंपल। पहले हम एक फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स, ये पता कर लेना है। इमिटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, यानी कि ई बी जे एंड सी बी जे। ओके, तो इमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस, कलेक्टर रीजन, इमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस, तो कहलाएगा सेचुरेशन रीजन, एंड दोनों अगर रिवर्स बायस तो ये कहलाएगा कट ऑफ रीजन। ओके, क्लियर। तो थ्री रीजन्स में अब थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे डिटेल में देख लेंगे कि कैसे जंक्शन एंड इसके पॉइंट्स को हम लोग मेंशन कर रहे हैं। ओके, चलो कट। तो हम लोग इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ई मीटर और बेस जंक्शन जो हो गया, अगर वो फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में कैसे, अगर हमने नेगेटिव यानी कि एन को माइनस से कनेक्ट कर दिया, और वी बी ई कहने का मतलब है कि बेस और इमीटर के बीच में, ये बेस और ये इमीटर के बीच में कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए इसका नाम वी बी दिया, और यहाँ पे कलेक्टर और बेस के बीच में कलेक्ट किया है बैटरी को, ये बेस और कलेक्टर, इसलिए इसको वी सी बी कहलाया। ठीक है, तो वी बी बैटरी का माइनस टर्मिनल अगर इस एन से कनेक्टेड है तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, वी सी बी बैटरी का प्लस टर्मिनल अगर इस एन से कनेक्टेड है तो हो गया फॉरवर्ड बायस। तो इमीटर बेस जंक्शन, ये इमीटर बेस जंक्शन अगर नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, और कलेक्टर बेस जंक्शन अगर पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से इधर कनेक्ट कर दिया, तो ये कहला गया एक्टिव रीजन्स। एक्टिव रीजन्स में एक और बात होती है कि कलेक्टर करंट, यानी कि ये हमारा कलेक्टर करंट है, अगर इमीटर करंट पर, यानी कि मेनली इमीटर करंट पर डिपेंड करता है, और सबसे अच्छी बात कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है, यानी कि इस रीजन्स में हम एक्टिव रीजन्स में एम्पलीफायर की तरह काम कराता है, कराते हैं ट्रांजिस्टर को, और ये सेम चीज़ पीएनपी के लिए है। पीएनपी में भी यहाँ पर पी कनेक्ट करेंगे, एन कनेक्ट करेंगे और पी कनेक्ट करेंगे, तो सिंपल बात, अगर यहाँ पे पी हो गया तो वीबी के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, है ना, तभी जाके ये इमीटर बेस जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। और सिमिलरली इसको यहाँ पे पी को हम माइनस से कनेक्ट करेंगे, तो हमारा जो कलेक्टर बेस जंक्शन होगा, ये हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन, क्योंकि ये इमीटर, ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया बेस। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में और सेचुरेशन रीजन्स की तरफ। तो सेचुरेशन रीजन में सिमिलर हम ये करेंगे कि अगर इमीटर बेस जंक्शन, यानी कि ये इमीटर बेस जंक्शन, सो सेचुरेशन रीजन में क्या होता है कि सेचुरेशन रीजन में अगर इमीटर बेस जंक्शन, यानी कि ये वाला हमारा इमीटर बेस जंक्शन है, और ये कलेक्टर बेस जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो जाए, यानी कि हम वी बी बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि एन को अगर हमने माइनस से यहाँ कनेक्ट किया तो ये क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस, और अगर फिर एन को यहाँ माइनस से कनेक्ट किया तो ये भी बन गया फॉरवर्ड बायस, यानी कि वी सी बी जो कलेक्टर बेस के बीच में बैटरी कनेक्ट किया है, और वी बी ई जो बेस इमीटर बेस के बीच में हमने बैटरी कनेक्ट किया है, दोनों अगर इस तरीके से कनेक्ट करें कि जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाए, तो ये कहलाएगा सेचुरेशन रीजन। इस केस में जो आई सी करंट होती है वो इंडिपेंडेंट, यानी कि ऑलमोस्ट एक तरीके से फ्री हो जाती है ऑफ द बेस करंट, यानी कि बेस करंट से इसका ऑलमोस्ट डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, और इस केस में ध्यान रखना ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच की तरह काम करता है। क्लोज स्विच का मतलब बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की तरह। ओके, और ये पीएनपी का हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीएनपी में देखिए सिर्फ पोलरिटी चेंज होती है, मतलब करंट का फ्लो की पोलरिटी चेंज हो गई, पीएनपी यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल चेंज हो गया, लेकिन इमीटर बेस एंड कलेक्टर अपने स्थान पे जैसे था एनपीएन में वैसे ही पीएनपी में रहेगा। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कट ऑफ रीजन्स के बारे में। कट ऑफ रीजन्स में क्या हो गया, सिमिलर वे में अगर इमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों रिवर्स बायस में हो जाए तो क्या कहलाएगा, कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया। ठीक है, और प्रैक्टिकली इस केस में जीरो करंट फ्लो होता है, मतलब करंट का फ्लो ऑलमोस्ट नल हो जाता है, और इस केस में ये ट्रांजिस्टर जो है ओपन स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, कट ऑफ रीजन्स में ट्रांजिस्टर जो है वो ओपन स्विच की तरह काम करता है, सेचुरेशन रीजन में एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है, और अगर हम इसकी तरफ की बात करें एक्टिव रीजन्स में, तो ये किसकी तरह बात करता है, काम करता है, वो करता है एम्पलीफायर की तरह। तो ये हमारा रहा बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। थैंक यू।